ये श्रीवास्तव फैमिली रहती थी जिसमें दो ही वाइफ हस्बैंड रहते थे और काफ़ी ये सीनियर सिटीजन्स हैं, दोनों रिटायर्ड पर्सनस हैं और घर में इनके सिवा कोई नहीं रहता था। आसपास के लोगों का इनके मुताबिक कोई एंट्री भी नहीं थी यहाँ पे, और नॉर्मली तीन मेड यहाँ अलग अलग काम करने आती थी महिलाएं, जो अलग अलग टाइम पे आके काम करती थी उनके होता था। ये सुबह 6:30 बजे के बाद से ही एंट्री उन लोगों के घर में होती थी। बता रही हैं कि उसी सेम टाइम पे 6:30 बजे ही तीन लड़के इनके घर में आए हैं और वो इनसे पूछने लगे कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है, और इनके बाद उन्होंने घर में तमाम तलाशी लिया और जो इसमें 26,000 रुपया मिला और एक अंगूठी और एक कान का कुंडल और एक चेन और एक पैडल बता रहे हैं इनके पास थी वो ले गए, क्योंकि काफ़ी देर तक लगभग बता रही 15 से 20 मिनट तक उन्होंने घर में तलाशी की और उनको आइडिया थी कि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, उतना नहीं था। इनको आरंभिक तौर पे जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें डाउटफुल लग रहा है, जो काम करने वाली महिला यहाँ पर आई है आज वो आने के बाद भी आसपास जो चीज़ों को बताया भी नहीं, और दो जो काम करने आती हैं उनका बिहेवियर भी अनयूजुअल है जो इनके साथ बातचीत में इनको बता रही हैं। इसके अलावा भी आसपास के हमने फुटेज में कुछ चीज़ें मिली हैं और लोगों से भी जानकारियां मिली हैं, हम शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। इस घटना में जो तीन लोग आए थे इनके बारे में इनको ने कुछ देखा है, ये बता रहे नई उम्र के तीनों लड़के थे, और जब इन्होंने थोड़ी देर तक चाबी वगैरह अलमारी का देने में की तो इनके साथ फोर्स भी यूज़ किया गया, मारपीट भी हुई, और फिलहाल जो है ठीक है, कोई ऐसी चोट इन लोगों को नहीं है, लेकिन हमारे लिए घटना गंभीर है, हम इसमें पूरी टीम लेकर लगे हैं, जल्दी अनावरण होगा।